दिनांक 22/2 को, 2 दिन पहले रंगरा थाना में NH पे रंगरा और पुरसक बॉर्डर पे ये सूचना मिली कि एक लूट हुआ है 13,30,000 रुपये का। ये लड़का जो सेंट्रल कंपनी है, जो थर्ड पार्टी कंपनी है आपका HDFC का, कि वो पैसा निकाल के हम जा रहे थे, हमें 2 बाइक पे 4 अपराधी धक्का दे करके हथियार के बल पे पैसे की लूट कर लिया। घटना काफ़ी गंभीर थी, रुतपत घटनास्थल पहुँचे, मैं खुद HDFO साहब हमारे थाना प्रभारी सब पहुँचे, और जो लड़का था सुजीत और रेशम, उसने पूछताछ शुरू किया। तो पूछताछ के क्रम में ही कुछ हम लोगों को एक शक सा लगा कि कहीं कुछ झूठ भी बोल रहा है, लेकिन तो भी हम लोग कान को सत्य मानकर अनुसंधान करना प्रारंभ किया। तत्काल तुरंत हम लोग SIT टीम का गठन भी किया, जो हमारे SDPO साहब नेतृत्व कर रहे थे, इनके टीम में सहयोग करने के लिए SHO रंगरा, SHO गोपालपुर और जो प्रोफेशनर्स हैं 5-6 सभी साथ में, गोपालपुर थाना का और रंगरा का सभी शामिल थे। इन लोगों ने बेहद तकनीकी तरीके से, बेहद धैर्य के साथ पूछताछ किया, और पूछताछ के क्रम में फिर 2 लड़का ब्रेक किया और बताया कि नहीं, ये लोग झूठा केस किए हैं और पैसा गबन करने के उद्देश्य से ये एक झूठा केस थाने में दर्ज करने की कोशिश किया, और पैसा लेने बाद बैंक से पैसा लेने के बाद एक बिट्टू जो तीसरा लड़का है, वो एक दुकान है आपका नगोछिया में, कपड़े दुकान, उसमें स्टाफ वो है, काम करता था, तीनों कुर्सेला रहने वाला है, एडिशन भी सुजीत भी और बिट्टू भी, आपस में लोग तालमेल करके पूरा पैसा उसका रख दिया और झूठा केस दर्ज करने की कोशिश किया रंगरा में। और हमारी टीम जो है SIT टीम बेहतरीन नमूना पेश किया उस अनुसंधान का, और 24 घंटा से भी कम समय में टोटल जो गबन का जो प्रयास किया, वो पैसा हम लोग बरामद किए, उन्होंने मोबाइल को भी जब्त किया है, मोबाइल से भी हम लोग जो तकनीकी साक्ष्य हो सकता है हम लोग इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी SIT ने अच्छा काम किया। हो गया था तो कर दिया, आगे किया, आगे फोटो बनता है वाले सुधर में क्या ना उठा तू जो उठा जेब में रखी अपना ले लिया, उसके बाद मोबाइल इधर रख दिया, किया तब देखो कितना करता है।